गुरुग्राम एसटीएफ की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ की टीम ने मुठभेड़ के बाद 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन पर हत्या के प्रयास, लूट और डकैती जैसे कई दर्जनों केस दर्ज है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एसटीएफ करीब 1.5-2 साल पहले नोटोरियस क्रिमिनल्स, वांटेड क्रिमिनल्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, नारकोटिक्स और दूसरे क्राइम्स के लिए, जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है और खड़ी की गई थी। आप लोगों को आज एक इसलिए बुलाया गया कि करीब 8 से 10 दिन पहले एक किडनैपिंग हुई थी, जिसका कि केस परसों में दर्ज कराया गया था। किसी डॉक्टर की किडनैपिंग हुई थी, डिटेल आप उससे सब ले सकते हैं, उसके अंदर सब कुछ मेंशन है। उसके संबंध में हम लोगों ने करीब 6-7 टीम्स साइलेंटली लगा रखी थी, जिसमें कल एक जो सोर्स से हमें पता लगा था कि एक जो इस किडनैपिंग में हो सकता है वो लखनऊ है। हमारी टीम कल शाम को वहाँ लखनऊ गई तो उसको डिटेन किया, उसको नोटिस दिया, लेकिन उसने इस बात से बिल्कुल इग्नोर कर दिया कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, और फिर ये कहा कि मैं इसके बारे में जानता ज़रूर हूँ। तो उसको कल रात को हम लोग गुड़गांव लेके आए। उसने बताया पहले कि दिल्ली के अंदर जहाँ लोग ये रहते थे, फ्लैट्स वगैरह थे जिसके अंदर रह रहे थे, वो हमने सारा सर्च कराया था, वहाँ पे भी ये अवेलेबल नहीं हुए। तो मीनवाइल कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी आई कि ये लोग फिर किडनैपिंग करना चाहते हैं, लूट करना चाहते हैं रिवाड़ी के धारू हेड़ा के एरिया के अंदर, जो पुलिस मुठभेड़ के साथ रात को हमने 4 लोगों को वहाँ सुबह 5 बजे के करीब गिरफ्तार किया।